खूबसूरत वादियों में जब हरी भरी चीजें आपको मिले, हरे भरे पेड़ मिले, और खास तौर पे इन हरे भरे पेड़ों के बीच में जब आपको ये लैंडस्लाइड दिखेगा, तब आप परेशान होंगे कि इस खूबसूरत वादी को किस तरीके से जो है तबाह करने में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हम अभी डलवास में हैं और डलवास में आप हालात देख सकते हैं कि किस तरीके का काम चल रहा है, और पूरी नेशनल हाईवे बंद है। जखेनी में भी जो है सब यात्रियों को रोका हुआ है, और इस डलवास की हालत आप देखें, इस डलवास की हालत ऐसी है कि अगर थोड़ी भी बारिश आगे भी होगी, ये पूरा का पूरा पहाड़ जो है नीचे आ जाता है, और अभी भी नीचे आया हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरा अमला, पूरी ट्रैफिक जो है अभी बंद है। अब आगे भी अगर देखेंगे, जबकि सरकार को मालूम है कि ये डलवास जो है जब भी बारिश पड़ती है ये पूरा का पूरा लैंडस्लाइड होता है, तब भी सरकार ने सिर्फ अभी एक जेसीबी और उसके साथ एक छोटी सी मशीन लगा के रखी है, और तमाशा ये देख रही है कि जितने भी यहाँ पे लोग अभी अपने घरों को जा रहे हैं, वो कश्मीर को जा रहे हैं, और रामबन को जा रहे हैं, बानिहाल को जा रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ से जा रहे हैं, वो तमाशा देख रहे हैं कि ये मशीन कब जो है यहाँ से मलबा थोड़ा बहुत हटाएगी, और उसके बाद यहाँ से हाईवे को थ्रू किया जाएगा। अगर सरकार को ये मालूम है कि ये पूरा का पूरा डलवास का इलाका जो कम से कम 500-600 मीटर के ऊपर मुश्तमिल है, अगर ये पूरा का पूरा पहाड़ उतर जाता है, तो क्यों नहीं 4 से 5 मशीनें यहाँ लगाई जाएं और एकदम ये रास्ता पूरा का पूरा जो है थ्रू किया जाए। यहाँ ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी भी यहाँ खड़े हैं, इनका भी क्या कसूर है, क्योंकि इनका काम सिर्फ गाड़ियों को रोकना है और उनको ये कहना है कि आगे मत जाएं, लेकिन स्टिल अगर ये पूरा इलाका आप देखें, ये पूरा का पूरा इलाका सिंक हो रहा है, और आने वाले वक्त में जब जून जुलाई का वक्त होगा उस वक्त कॉन्टिन्यूस यहाँ पे बारिशें होती हैं। क्या आपको लगता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कामयाब हो जाएगी इस रास्ते को सही करने में? मैं आपको नीचे वाला रास्ता दिखाता हूँ। ये जो आप अभी सरिया देख रहे हैं, ये सरिया एक पिलर का सरिया है, जब ये मलबा ऊपर से आया हुआ है, ये पूरा का पूरा सरिया जो है इस मलबे के नीचे दब चुका है, लेकिन तब भी नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी जो है, जो अपने आप को बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी कहते हैं, बहुत सराहना लेते हैं कि भाई साहब हमने तो पूरे भारत का चेहरा बदल दिया है नेशनल हाईवे बना के, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू श्रीनगर राजमार्ग के ऊपर जब बात की जाती है नासी से लेके बानिहाल तक के रास्ते की, तो कहीं ना कहीं उनकी नाकामयाबी जो है रास्ते पे दिखती है। हमारे साथ कुछ लोग भी जो है यहाँ खड़े हैं। आपका नाम? आपका नाम? मोहम्मद शफी। मोहम्मद शफी जी, आप कहाँ रहते हैं? बटोत में। बटोत में। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? रामबन। रामबन। तो कब से यहाँ इस जाम में फंसे? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। तो ये जो ये इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका पहले से ही यहाँ पे लैंडस्लाइड होता था कि ये जब नेशनल हाईवे बनी तब ये तमाशा हुआ? जब ये बनने शुरू हुई उस टाइम हुआ था। तो क्या उस वक्त जो इंजीनियर, आपको नहीं लगता है कि इतने बड़े बड़े इंजीनियर पूरे हिंदुस्तान में है, क्या सकता था बनावाना चाहते हैं? तो ये घड़ी घड़ी ये रास्ता जो है घड़ी घड़ी लैंडस्लाइड होता है, तो यही तमाशा चलता रहता है। यही तमाशा है। तो कितनी मशीनें यहाँ लगी हुई थी? अभी तो सुबह से ये 2 मशीनें लगाई है उन्होंने, एक बस टोटल 2 मशीनें। और 2 घंटे से आप यहाँ रुके हुए हैं? 2 घंटे से। अभी तो पब्लिक बहुत देर से सुबह से रुकी हुई है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, पब्लिक बहुत रुकी हुई है। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से काम हो रहा है, इस तरीके से नेशनल हाईवे कभी बनेगी? कुछ नहीं, बकवास कंपनी है ये, कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं कर सकती है कंपनी। तमाशा। जब से ये कंपनी आई है कुछ नहीं कर रही, इसने कुछ नहीं किया है यहाँ पे, खाली स्लैटिंग को देखती है, इसको मलबा को उठा के नीचे फेंक दी, बस इतना ही काम, इतना ही काम है इसका, बाकी कोई काम नहीं इसका। तो हमारे साथ, आपका नाम? कौसम रथर। कहाँ से हो आप? कश्मीर से हैं। कश्मीर का चुप डांगरपुरा। तो क्या मसल तो ये गाड़ चुप पकड़ा है? आना गाड़ है, लक्की गाड़ है, अल्टो है। अल्टो। हाँ, बीमार था और से अमृतसर है। अमृतसर। हाँ ना, रात शाम पेट सीधी खड़ा है। ये तो शाम पेट सी थी। हाँ ना। तो क्या खेन चैन उपचुए का इंतजाम? ये और खेन चैन जो कहीं टोटल लास कहीं ना। कहीं ना। ना टोटल कहीं ना। तो कहाँ करो क्या मदद वगैरह? ये लास कहीं कुछ कर मदद है सर, हम कुछ कर मदद। कोई ना। कहीं ना। कितने चूतो है इवन ये मतलब कश्मीर पर जोम जम पर कश्मीर पाकर? वराज क्या लास पकान? तो क्या गुन वक्त उछू तो ये का वात पकन बराबर की हमेशा चुए तसर हमेशा दस हमेशा के लिए। तो यल तो रूद पे अच्छा नहीं बांध अच्छा ना बांध। तो वहीं कार तांचो उम्मीद तो है कि तो ये वही तो घर कैसे अच्छा ब्रोंड कैपिटेलिया मोड तो इनके नस वो स्मूथ ब्रोंड चुप फला होना मैं तुम 10 मिनट पे ऐसे ही तस काम ना आना जा उछू आस पत ब्रोंड का हाल ताज ब्रोंड का अच्छा आना जा। आपका नाम? जाहिद बशीर तीली। तो जाहिद जी कहाँ से है? यहाँ बिजबिहारा से। बिजबिहारा से। तो आज कहाँ थे यहाँ? यहाँ तो अमृतसर में थे। अच्छा, आप घर जा रहे हैं? हाँ, घर जा रहे हैं। तो कैसा आप ये जो ये आप घड़ी घड़ी जब भी आते होंगे यहाँ से ये स्लाइड दिखता है? लैंड स्लाइड। आपको लगता है कभी जो है नासरी से लेके कश्मीर तक जो है रोड बनेगी?
क्या बताएंगे है? सरकार जब आएगी अच्छी सी तो हो जाएगा कुछ, तब होगा। सरकार अच्छी नहीं है? सरकार तो है, लेकिन उसमें जो ठेकेदार वगैरह है वो भी तो उसमें कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, खाते हैं, है ना? खाने के बगैर चलता नहीं है। चलता नहीं, मटेरियल कहाँ लगाते हैं? अच्छा, अगर अच्छे काम करेगा उनको क्या टेंडर लगाते हैं या और कुछ है? आपको नहीं लगता ये पूरा पहाड़ है, अगर इस पे और बारिश होगी गिरेगा नीचे? गिरेगा ना, ये गिरेगा। गिरेगा तो क्या मतलब इंजीनियरों को इतना नहीं पता चल रहा है कि अगर ये पहाड़ गिर रहा है इसको रोकने के लिए कोई ऐसी तरकीब लगाए? अगर लगाए तो अच्छा है, नहीं तो ये तमाशा चलेगा, है ना? आपको पता है इसके टोल बढ़ा दिया गया है इस पूरे रोड का, पहले टोल जितना था उसको डबल कर दिया गया, आपको लगता है वो जायज है? वो कहाँ जायज है, बहुत से टोल हमने भी बहुत बारे अमृतसर से इधर तक अब भी भरना है, टोल भरना है। हाँ भरना है। तो ये यहाँ के आम शहरी हैं जो आप देख सकते हैं किस तरीके से मजबूर हैं, टोल को बढ़ा दिया जाता है और जब उनसे सवालात पूछते हो तो कहते हैं रास्ता मुकम्मल हो चुका है। और रास्ता अगर ऐसा मुकम्मल हो चुका है, इस तरीके का काम अगर इस रास्ते के ऊपर चल रहा है, तो आपको लगता है कि टोल देना जो है वाजिब है, खासतौर पर उस रास्ते पे जिस रास्ते पे चिक्कड़ है, जिस रास्ते पे लोगों की गाड़ियां दब जाती हैं, जिस रास्ते पे लोगों की जाने चली जाती हैं। कल भी राममन में एक छोटे से बच्चे का जो है हादसा हुआ और छोटे से बच्चे की जो है जान चली गई, और वो भी सिर्फ लैंडस्लाइडिंग की वजह से। अब आप खुद देखें, अगर हम गलत बोल रहे हैं, आप खुद देखें इस पहाड़ को, आपको लगता है कि ये पहाड़ आके आने वाले वक्त की बारिश सह सकता है? आपको लगता है कि ये पहाड़ जो है रुकेगा? जहां तक मैं देखता हूं, जैसे ही इसमें बारिश ज्यादा होगी, ये पूरा का पूरा पहाड़ जो है नीचे आएगा, और फिर ये जो जिसको भी ये काम मिला है वो कोई भी हो, लेकिन उसका काम यही होगा इस मलबे को उठा के नीचे करना और बाद में जो है फिर ये कच्ची सड़क बनाना। यहां तो सरकार एक फॉर्मूला लेके आए, एक क्लियर कट फॉर्मूला लेके आए कि भाई आपने किस तरीके से कैफेटेरिया मोड़ और डलवास को ठीक करना है, या तो ये काम जो है किसी और कंपनी के हाथ में छोड़ दे, या कोई और ऐसी कंपनी को नियुक्त करे जो कंपनी इस रास्ते को जो है थ्रू करे, इस रास्ते को जो है बनाए, इस रास्ते को पक्का करे, कोई अल्टरनेट वे ढूंढना पड़ेगा। अदरवाइज लोग जिस तरीके से यहां मजबूर हैं खड़ा होने के लिए, कोई बीमार है, किसी के घर में वफात हुई है, कोई वहां जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन रास्ता बंद है और जेसीबी अपना काम कर रहा है। आप जुड़ते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते हैं स्ट्रेट लाइन, हम ऐसी खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं।